नोटबंदी को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बीच जमकर जुबानी जंग हुई। उत्तर प्रदेश की चुनावी धरती पर मोदी ने विपक्ष को ललकारा तो राहुल गांधी ने पलटवार किया। मोदी कानपुर की परिवर्तन रैली में विपक्ष पर जमकर बरसे तो राहुल गांधी ने जौनपुर की आक्रोश रैली में मोदी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी 35 साल पहले जो कानून बनाया था पॉलिटिकल पार्टियों के हिसाब किताब के संबंध में, हमारी सरकार ने उसमें फुल स्टॉप कॉमा को भी हाथ नहीं लगाया है। और कल मैंने देखा कांग्रेस के नेता हमें बदनाम करने के लिए उछल पड़े थे। मैं जरा कांग्रेस वालों को याद कराना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के लोग सीना तान करके मीडिया के सामने बोलते थे, बेशर्मी के साथ बोलते थे। जब सीताराम केसरी कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, परमानेंट कोषाध्यक्ष थे, और सीताराम केसरी कैसे कोषाध्यक्ष थे तो खुद कांग्रेस के लोग बोलते थे, न खाता न वही, जो केसरी कहे वो ही सही। न खाता न वही, केसरी कहे वो ही सही, ये तो उनके हिसाब किताब के तरीके थे। अमीर लोगों का आप कर्जा माफ करते हो, 1,10,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ करा। आप हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करो। मैंने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कहा, आप हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करो, सवाल का जवाब नहीं दिया, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। मजदूरों के बारे में नरेंद्र मोदी कहते हैं, पार्लियामेंट में कहा कि ये लोग पूरा दिन गड्ढा खोदते हैं, पूरा दिन गड्ढा खोदते हैं। मनरेगा को उन्होंने गड्ढा खोदना कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब किसानों के कैशलेस होने और हाईटेक होने की बात कही। विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया तो राहुल गांधी ने कहा कि गरीब को पेमेंट कैश में मिलती है और उसे खरीद फरोख्त भी कैश में ही करनी होती है। 8 नवंबर को हमने नोटबंदी का निर्णय किया। आप जानते हैं कैसे कैसे लोगों के पसीने छूट गए हैं, जिन्होंने गरीबों का लूटा है वे आज परेशानियां झेल रहे हैं, रास्ते खोज रहे हैं। गरीबों के घर जाकर के कतार लगा के खड़े हो गए थे कि मेरे पैसे हैं कुछ तुम रख लो, बैंक में जमा कर दो ताकि मैं बच जाऊं। भाइयों बहनों, जब 1,000 की नोट थी तो 100 की नोट को कोई पूछता नहीं था, अब 1,000 और 500 की चली गई तो 100 वालों की ताकत बढ़ गई, ताकत बढ़ गई। वो भी दिन थे जब बड़े बड़े लोगों की पूछ होती थी, छोटे लोगों को पूछता नहीं था। अब छोटी नोट भी पूछी जाती है, पूजी जाती है, छोटे लोग भी पूछे जाते हैं, पूजे जाते हैं, ये बदलाव आया है जी। इसमें जरा आके देखिए क्या हो रहा है, गरीब लोगों की हालत देखिए, इलाज के लिए पैसा नहीं है, ये काम आपकी फायर बॉम्बिंग ने किया है। किसान मोदी जी, किसान बीज और खाद चेक से नहीं खरीदता है, क्रेडिट कार्ड से नहीं खरीदता है, कैश में खरीदता है। उसका कैश आपने जला दिया, उसकी जिंदगी आपने बर्बाद कर दी। मोदी जी, मजदूर जब काम करता है, जब उसे पैसा मिलता है,
उसे पेटीएम के द्वारा पैसा नहीं मिलता है, उसको मोबाइल फोन से पैसा नहीं मिलता है, उसे कैश में पैसा मिलता है, उसको आपने जला दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर गरीबों को लूटने का आरोप लगाया तो राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 2.5 साल में देश का 60% पैसा देश के 1% सुपर रिच लोगों की तिजोरी में चला गया। एक तरफ हम देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं, काले धन से देश को मुक्त कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा एजेंडा है भ्रष्टाचार बंद हो, हमारा एजेंडा है काला धन बंद हो, लेकिन उनका एजेंडा है संसद बंद हो, संसद बंद हो, संसद बंद हो। पूरा महीना संसद चलने नहीं दी। ये संसद क्यों चलने नहीं दी भाई? पार्लियामेंट में चर्चा क्यों नहीं की? राष्ट्रपति के कहने के बाद भी हो हल्ला करते रहे, नारे बुलाते रहे। ये इसलिए करते थे कि जिन मुद्दों पर सरकार चर्चा चाहती थी इससे वो भाग रहे थे, डर रहे थे। अब तक जिन्होंने सरकारें चलाई है उनके लिए हिसाब देना जरा महंगा पड़ रहा था। पिछले 2.5 साल में आपने हिंदुस्तान के 1% अमीर लोगों को हिंदुस्तान का 60% धन दिलवा दिया है। यह मेरा आंकड़ा नहीं है, यह सरकार का आंकड़ा है। आज हिंदुस्तान का 60% धन 1% अमीर लोगों के हाथ में है। उससे आगे जाना चाहता हूं, 50 परिवारों के पास है। 50 परिवारों के पास हिंदुस्तान के धन का सबसे बड़ा भाग है। यह नरेंद्र मोदी जी की देन है।